अब फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का क्या कहना। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन सितारों में से एक हैं, जो अपने शालीन स्वभाव के लिए भी काफी ज्यादा प्रचलित हैं। अमिताभ बच्चन वो शख्सियत हैं जो पिछले 50 साल से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में बरकरार हैं, और इतने ज्यादा समय से कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा रहा, लेकिन अमिताभ बच्चन के अंदर जो हुनर है उन्होंने दुनिया के सामने रखा, और मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। हालांकि आज के समय में भी अमिताभ बच्चन एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे हैं, और उन फिल्मों की दीवानगी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों के बीच में देखने व सुनने को मिलती ही रहती है। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा सुपरस्टार उतने ही उसके दिलचस्प किस्से। अब अमिताभ बच्चन को शालीन स्वभाव का व्यक्तित्व माना जाता है, और वो किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका अमिताभ बच्चन के साथ झगड़ा हो चुका है, और इन कलाकारों के साथ अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रह चुके हैं। अब अमिताभ बच्चन जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनका कोई भी माई बाप नहीं था। हालांकि अमिताभ बच्चन का परिवार गांधी परिवार के बेहद करीब था, जिसका फायदा भी उन्हें समय समय पर मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन के रसूख की वजह से इंडस्ट्री में उन्हें इतनी बड़ी पहचान मिली। ये पहचान उन्होंने कमाई, और अमिताभ जब स्ट्रगल कर रहे थे तब से लेकर आज तक उनका कई सारे कलाकारों के साथ मनमुटाव रहा है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको आज अमिताभ बच्चन के सात बड़े दुश्मनों के बारे में बताने वाले हैं जिनका अमिताभ बच्चन के साथ झगड़ा रहा है। और इस लिस्ट में सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे एक्टर विनोद खन्ना का। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का सितारा अस्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में जम रहे थे। अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर दे रहे थे, और बाद में वो एक बड़े सुपरस्टार बन गए। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर विनोद खन्ना दे रहे थे। कहा तो ये भी गया कि अगर विनोद खन्ना इंडस्ट्री में लगातार बड़ी बड़ी फिल्में करते रहते तो कभी भी अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बन पाते। राजेश खन्ना के बाद जिस हिसाब से अमिताभ बच्चन ने स्टारडम हासिल किया था वो शायद वो हासिल नहीं कर पाते। हालांकि विनोद खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी काफी ज्यादा प्रचलित रही है। अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर और हेरा फेरी जैसी कई सारी फिल्में हैं जो फिल्में सुपरहिट साबित रही हैं। लेकिन असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन मीडिया ने जब इनके साथ दुश्मनी को लेकर सवाल पूछा तो एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने जवाब दिया था कि अमिताभ बच्चन मेरे कंपटीटर थे, राइवल्स नहीं। इसी के साथ ही अब दूसरे बड़े दुश्मन की बात करें तो इनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी अमिताभ बच्चन की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी पसंद की गई है, और अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई सारी फिल्मों में काम भी किया है। उन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो काला पत्थर, दोस्ताना और शान ये वो फिल्में हैं जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी दिखाई दी। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा इंडस्ट्री के टॉप कलाकार हुआ करते थे, लेकिन कहा जाता है कि दोनों में कभी भी आपस में नहीं बनती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो दुश्मनी भी फीकी पड़ती गई। अब दोनों अच्छे दोस्त हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि पहले जवानी थी तो जोश था और कुछ ईगो भी था, जिसकी वजह से दुश्मनी शुरू हुई। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि जब शोले फिल्म का निर्माण किया जा रहा था तो जय के किरदार के लिए सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया था, लेकिन धर्मेंद्र की वजह से ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा से छीन गया और बाद में ये रोल अमिताभ बच्चन ने किया। इस बात का भी मलाल शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर था। इसी के साथ ही तीसरे पायदान की बात करें तो इनका नाम है राजेश खन्ना। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे जिन्हें अमिताभ बच्चन शुरू से ही कड़ी टक्कर दे रहे थे। हालांकि इन दोनों ने भी साथ में मिलकर कई सारी फिल्में की। जिन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो आनंद और नमक हराम जैसी फिल्में हैं जिन फिल्मों में इन दोनों कलाकारों को एक साथ देखने को मिला। लेकिन बॉलीवुड फिल्म जानकारों का कहना था कि फिल्मों भले ही एक दूसरे के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन पर्दे पर ये जितना प्यार दिखाते थे उतने ही पर्दे के पीछे नफरत भी दिखाई देती थी, जिसके कई सारे सबूत भी मिले। कई मौकों पर अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को नीचे दिखाने के लिए हरकतें की थी, लेकिन इन सबके बावजूद राजेश खन्ना ने कभी भी ना ही अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे पर कमेंट किया। इसी के साथ ही चौथे पायदान की बात करें तो इनका नाम है रणधीर कपूर। अब रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा कपूर और अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ सगाई टूटने के बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, क्योंकि कपूर खानदान का रिश्ता बच्चन फैमिली के साथ जुड़ने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों एक दूसरे से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे। यही नहीं, अभिषेक बच्चन करिश्मा के साथ साथ करीना कपूर के साथ भी कोई काम नहीं करना चाहते थे। इसी के साथ ही पांचवे पायदान की बात करें तो इनका नाम है संजय दत्त, लेकिन इंडस्ट्री में ये संजू बाबा के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अमिताभ बच्चन के साथ भी इन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब संजय दत्त ने अमिताभ के साथ काम करने का ऑफर ठुकरा दिया था।
दरअसल हुआ यूं कि साल 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह एक ऐसी फिल्म है जिसमें संजू बाबा ने इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उसमें बिग बी एक गेस्ट रोल में नजर आने वाले थे। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि इस फिल्म के लीड एक्टर के लिए सबसे पहले संजय दत्त को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए फिल्म को रिजेक्ट कर दिया कि अमिताभ बच्चन की फिल्म में भूमिका निभाने पर उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलेगी। इस तरह से फिल्म खुदा गवाह के निर्देशक मुकुल एस आनंद द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी संजय दत्त ने इस फिल्म को साइन नहीं किया था। अब ऐसे में संजय दत्त की क्या अमिताभ के साथ कड़वाहट थी, इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में अमिताभ बच्चन के साथ संजय दत्त ने कई सारी फिल्में की और उन फिल्मों को लोगों ने पसंद भी किया। हालांकि इसी के साथ छेवें पायदान की बात करें तो इनका नाम है सुभाष घई, और सुभाष घई और अमिताभ बच्चन के बीच करीब 25 सालों से बातचीत नहीं हो रही है। अब इसके पीछे का कारण तो किसी को नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि फिल्म की कास्टिंग को लेकर अमिताभ बच्चन और सुभाष घई के बीच में विवाद हो गया था, जो विवाद आज तक जारी है। इसी के साथ ही सातवें और आखिरी पायदान की बात करें तो इनका नाम है शाहरुख खान, जिन्हें बॉलीवुड में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है। इनका भी टकराव अमिताभ बच्चन के साथ रहा है और अमिताभ के साथ इन्होंने भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। उन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो कभी खुशी कभी गम और मोहब्बतें जैसी शानदार फिल्में हैं जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक दूसरे के साथ नजर आए, लेकिन समय के साथ इन दोनों के रिश्तों में भी कड़वाहट आई। बताया जाता है कि जब कौन बनेगा करोड़पति शो शुरू हुआ तो मेकर्स ने दो सीजन के लिए बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को बतौर होस्ट रखा, लेकिन तीसरा सीजन शाहरुख खान को होस्ट के लिए बुला लिया गया। ये देख अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान से दूरी बना ली, लेकिन बाद में टीआरपी गिरने के चलते मेकर्स को दोबारा अमिताभ बच्चन की याद आई और शाहरुख को निकालकर उन्होंने एक बार फिर से अमिताभ बच्चन को इस शो का होस्ट बनाया। तो दोस्तों ये थे अमिताभ बच्चन के सात बड़े दुश्मन जिनका अमिताभ बच्चन के साथ टकराव रहा है। हालांकि मौजूदा दौर में अब ये अमिताभ बच्चन के दुश्मन हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब अमिताभ बच्चन को लेकर इन सातों कलाकार से जुड़ी कई सारी अफवाहें उड़ी।